सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। हुनर बाज़ सीजन 4 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। कौशल भारत, कुशल भारत। हम चाहते हैं कि देश में रोजगारों का अवसर बढ़े, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहता है उसको अवसर मिले। जब तक उसको ये अवसर नहीं मिला का अनुभव आएगा नहीं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हर कोई बने तो बस कहीं कहीं नौकरी खोजता रहे। पैरों में पहने जाने वाले जूते आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, यानी सिर्फ चेहरा ही नहीं, आपके पैर भी आपकी पहचान बनते हैं, कभी सोचा है आपने? और यही जूते जब रोजगार का जरिया बनते हैं तो कदम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, ये भी सोचा है आपने? देहरादून में रहने वाले अरकान आलम जी ने जब अपनी एक जूते की दुकान खोलने की सोची तो पैसों की कमी एक बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल होती है, और जाहिर है जहां ऐसी मुश्किलें होती हैं वहां आपके लिए खड़ा होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अरकान जी के सफर की दास्तां आपको बताएंगे हमारी टीम डायरेक्टर शिप्रा बलाजी। जूते तरह तरह के, स्पोर्ट्स शूज, लेदर शूज, डिजाइनर शूज, फ्लैट शूज, हील शूज, उफ भाई, ये जूते ही तो हैं जो आपके पैरों को रास्ते की मुश्किलों से बचाते हैं, और ये जूते ही तो हैं जो आपको दिला सकते हैं आपके ख्वाबों का जहां। आप देखिए कैसे। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। हुनरबाज के कदम हुनर को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए हैं खूबसूरत पहाड़ों के बीच वैली में बसे एक शहर देहरादून, जहां अरकान आलम आपको बताएंगे कि कैसे जूतों ने बदली उनकी तकदीर। अपने शुरुआती दौर में अरकान नौकरी करके अपने परिवार की जीविका चलाते थे, पर जिंदगी की गाड़ी में स्पीड नहीं थी। देहरादून में पहले बिजनेस के सिलसिले में यहाँ दुकानों पर देखने आया, तो एक दुकान पर मैंने सर्विस भी करी, मगर उसमें घर खर्च नहीं चलता था, बहुत परेशानी की जिंदगी कटती थी। फिर सोचा कि अपना बिजनेस किया जाए। बिजनेस करने का ख्वाब लिए अरकान जी ने कुछ पैसों का इंतजाम करके देहरादून में अपनी एक छोटी सी जूते की दुकान खोल ली। लेकिन सिर्फ दुकान खोलने से बिजनेस नहीं चलता, इसके लिए चाहिए होता है अच्छा माल, जो अरकान जी के लिए एक चैलेंज था। जब मैंने अपना बिजनेस करने का सोचा तो मैं फिर फैक्ट्रियों में गया, और वो वहाँ पर जाके मैं पुराना माल ले आता था उनसे, जो उनका ख़राब हो जाता था उसको सही करके देता था। इसमें भी प्रॉफिट नहीं होता था, बहुत परेशानी होती थी मुझे। नए नए फैशन आ रहे हैं आजकल, अब वो मुहैया नहीं हो पाता था मेरे पे माल, तो इसलिए मेरी सेल नहीं हो पाती थी। अब बहुत कोशिशें करी मगर फिर भी ग्राहक निकल जाते थे मेरे हाथ से। यानी अरकान जी को चाहिए थे पैसे ताकि वो नया फैशनेबल और ब्रांडेड स्टॉक खरीद सके और अपनी दुकान अच्छे से चला सके। अब यही तो इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। लेकिन जहां भी आर्थिक मुश्किलें होती हैं, वही तो आपका साथ देता है बैंक ऑफ बड़ौदा। जो नीडी है उनको अभी ये पता चल गया है कि अगर वो एक सही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और वो लोन का पूरा यूटिलाइजेशन उसी के लिए कर रहे हैं जिसके लिए वो लोन ले रहे हैं, तो फ़ायदा उनको हर तरह होगा। तो हमारी ये कोशिश हर समय रहती है कि जब मुद्रा के एप्लीकेंट्स आए तो हम उनसे अच्छे तरह से बात करें और हम उनको सुझाव भी दें कि किस तरीके से उनको अपना लोन चाहिए। मिस्टर अकरान अहमद है, तो इन्होंने जो है मुझे कहा कि सर मैं जूतों का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आर्थिक समस्या है, मेरे पास पैसों की कमी है और मैं अपने कारोबार को कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने इनको प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के बारे में जानकारी दी, तो ये हमारे इससे कन्वेंस हुए, तो मैंने इनके पेपर जरूरी देखते हुए इनका मैंने असेसमेंट किया कि 7 लाख आपको ऋण मिल सकता है। तो इनको मैंने CC लिमिट के अंतर्गत जो है इनको मुद्रा ऋण में इनका ऋण स्वीकृत किया है। एक महीने के अंदर मुझे उन्होंने 7 लाख का मेरा मंजूर करा और उन्होंने मुझे दे दिया, उससे मेरा व्यापार खूब अच्छा सा चलने लगा। वाह,
अरकान जी के हाथों में आ गई थी अच्छी खासी रकम और वो भी बिना किसी दिक्कत के। अरे यही तो खास बात है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जो छोटे से छोटे इंसान को भी आर्थिक रूप से सशक्त कर देता है। मुद्रा लोन की खास बात सबसे ये है कि जो छोटा तबका होता है उनके पास कोलेटरल नहीं होता देने को। पहले ऐसा था कि कोई भी लोन लेने के लिए जो वो बैंक में जाते थे तो बैंक जो है कोई संपत्ति मांगता था आपसे, तो जो गरीब तबका है उनके पास ये सब कुछ होता नहीं है देने को। उनके पास सिर्फ स्किल होते हैं, वो स्किल डेवलप कर सकते हैं या वो अपना मेहनत जो है उनका कैपिटल है। कोई भी काम करो, थिंक अबाउट कि आप सब्जी बेच रहे हैं या आप मोबाइल की दुकान चला रहे हैं, तो आप आइए बैंक के पास और बैंक इसमें लोन देता है। जी हाँ, हुनर और मेहनत ही जिनकी पूंजी है, उनके हाथों में पैसों की ताकत देने की जिम्मेदारी निभा रही हैं सभी सरकारी योजनाएं और उनका पूरा साथ निभा रहा है बैंक। हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, हमारा ये है कि इकोनॉमी को किस तरह से हम हेल्प करें। तो इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम है, चाहे मुद्रा लोन हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इसमें पूरी तरह से हमारा बैंक बड़ौदा भागीदारी कर रहा है। और निश्चित रूप से हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है उनको हम सॉर्टिंग करके और जो लोग वाइबल एप्लीकेशन होती है उनको निश्चित रूप से यहाँ लोन देते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग तरक्की करें और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा उठाएं। अगर मुद्रा लोन मुझे नहीं मिलता तो मैं बहुत परेशानी में आ जाता और मैं बच्चों की आजीविका चलाने में बहुत परेशान हो जाता। लोन से बहुत फ़ायदा हुआ, व्यापार बहुत अच्छा चल गया, ब्रांडेड माल बेचता हूँ और ब्रांडेड की च्वाइस है सब लोगों की, आसानी से बिकता है बहुत। आज मैं 30-40 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ बहुत इजीली। अपनी तरक्की से अब अपना खुद का घर बना चुके हैं अरकान जी और आगे बेटे के लिए भी एक दुकान खोलने का इरादा है। सच है भाई, कमाई डबल है तो खुशियाँ भी डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और जरा देखिए तो अरकान जी की बेगम साहिबा कैसे इन खुशियों को एंजॉय कर रही हैं। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिलें हैं दिखी। अब जो है बच्चों की पढ़ाई भी निमड़ गई है, वो बेटियों की मैंने शादी कर दी है, बाकी बिजनेस मेरा बहुत अच्छा हो गया है। मेरे हस्बैंड मुझे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और मैं खूब खर्चा करती हूँ खुल के। अब गहने भी मैंने खूब बनवा रखे हैं और कपड़े वपड़े खूब अच्छे, शॉपिंग करती हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम ये छोटे छोटे लोन्स देकर जब लोगों के चेहरे में जो हंसी देखते हैं तो उससे बहुत सुकून मिलता है। कुछ करके देखो आज हुनर बाज, हम है हुनर बाज, आजा हुनर दिखा दे आज। वाह वाह, हुनर बाज ये दुआ करता है कि आपकी ये मुस्कान यूं ही बनी रहे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब बैंक का साथ आपको मिल ही गया है तो जितना चाहे उतना बिजनेस बढ़ाइए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, है ना? देखा ना आपने, सच्ची लगन और हुनर वो हथियार है जिससे आप जिंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हैं। और ऐसे में अगर साथ मिल जाए किसी अपने का तो समझिए हो गया सोने पे सुहागा। अरकान जी की तरह आप भी अपना कुछ करना चाहते हैं तो आप देर मत कीजिए, आपका हुनर और कोशिश जरूर रंग लाएगी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है ना, कोशिश हमारी सफलता आपकी।